हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश के 30 इम्पोर्टेंट डेज से रिलेटेड हमारी एक और सीरीज का चौथा पार्ट हम लेकर आए हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश का भारत में पहला स्थान कैसी है इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको एमपीजी के और करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, हमारी कुछ और सीरीज जिसमें हम मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट नॉलेज भी देते हैं, डेली करंट अफेयर का वीडियो पर डे आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देश की पहली केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है भोपाल। भोपाल में देश की पहली ट्रेनिंग एकेडमी स्थापित की गई है। दोस्तों, अब बात आई है भोपाल की, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भोपाल के बारे में बता दें। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और झीलों के शहर के नाम से भी भोपाल को जाना जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल में ही है और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL 1960 में ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में ही स्थित है। देश का प्रथम मॉडल ब्लड बैंक भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भोपाल में ही स्थित है और भारत भवन को 1982 में वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने बनाया था। दोस्तों, ताजुल मस्जिद देश की सबसे बड़ी मस्जिद, यह भोपाल में ही स्थित है। तो इतना आपको भोपाल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? जिसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भुगतान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जिसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मनरेगा के इलेक्ट्रिक पद्धति से भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम सौर चलित टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ बनाया गया है? जिसका सही ऑप्शन है शिवपुरी। शिवपुरी जिले में देश का पहला सौर चलित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया गया है। दोस्तों, अब बात आई है शिवपुरी की, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट शिवपुरी के बारे में बता दें। शिव की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है शिवपुर। स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को कांसी एवं स्मारक हैं। शिवपुरी मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कहा जाता है। शिवपुरी में संख्या राजे सिंधिया की छत्रियाँ हैं। शिवपुरी में कत्था का कारखाना है और शिवपुरी जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर सफारी और नरवर किला, ये सभी शिवपुरी में ही स्थित हैं। माधव बिलास महल आकर्षण का केंद्र है और सोन चिड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य जो करेरा शिवपुरी में स्थित है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम तापमान शिवपुरी में ही होता है। तो दोस्तों, इतना आपको शिवपुरी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा उत्पाद निवेश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश रक्षा उत्पाद निवेश नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। दोस्तों, आपको बता दें यह नीति 2014 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला पुरातात्विक पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है दमोह। दमोह के संग्रामपुर में देश का पहला पुरातात्विक पार्क बनाया गया है। दोस्तों, अब बात आई है दमोह की, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दमोह के बारे में बता दें। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाल श्रमिक दमोह जिले में है। मध्य प्रदेश की पीतल नगरी के नाम से दमोह को जाना जाता है। दमोह में डायमंड सीमेंट का कारखाना स्थापित है। कुंडलपुर में जैन तीर्थ स्थल और बांदकपुर में हिंदू तीर्थ स्थल स्थित है। कांसा पीतल बर्तन सेंटर भी दमोह जिले में ही स्थित है। तो दोस्तों, इतना आपको दमोह के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा तेंदुपत्ता और बीड़ी निर्यात राज्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा तेंदुपत्ता और बीड़ी निर्यात राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थापित की गई है? जिसका सही ऑप्शन है ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश में देश का
पहला एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्थापित की गई है। दोस्तों बात आई है ग्वालियर की, तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट ग्वालियर के बारे में बता दें। मध्य प्रदेश का राजस्व मुख्यालय और महालेखाकार का कार्यालय ग्वालियर में ही स्थित है। मोहम्मद गौस का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में ही स्थित है। राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में ही बनाई गई है। एशिया का प्रथम शारीरिक परीक्षण महाविद्यालय 1957 में ग्वालियर में स्थापित किया गया है। विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय 2008 में ग्वालियर में बनाई गई थी। दोस्तों ग्वालियर के किले को किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। सोनचिड़िया के संरक्षण के लिए घाटीगांव अभ्यारण्य बनाया गया है। दोस्तों तानसेन का मकबरा, सास बहू का मंदिर, तानसेन की नगरी ग्वालियर में ही स्थित हैं। तो इतना आपको ग्वालियर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल टैलेंट पूल बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ग्लोबल टैलेंट पूल बनाने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का प्रथम राज्य है कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देश का पहला मोबाइल बैंक स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित किया गया था देश में पहली बार। देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है सांची रायसेन। देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय बनाया गया है। दोस्तों अब बात आई है रायसेन की, तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट रायसेन के बारे में बता दें। विश्व प्रसिद्ध सांची के स्तूप एवं भीमबेटिकाएं, जो विश्व का सबसे बड़ा शैल समूह है, यह रायसेन जिले में ही स्थित है। भोजपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है। मंडीदीप में देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना लगाया गया है। और रातापानी जहाँ टाइगर प्रोजेक्ट है, यह अभ्यारण रायसेन जिले में ही स्थित है। मंडीदीप औद्योगिक केंद्र रायसेन में ही स्थित है। और ग्रेफाइट की एशिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री रायसेन के मंडीदीप में ही है। आचार्य रजनीश, जिन्हें हम ओशो के नाम से जानते हैं, इनका जन्म कुचवाड़ा रायसेन के एक गांव में हुआ था। तो दोस्तों इतना आपको रायसेन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला इको फ्रेंडली टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है भोपाल। भोपाल में देश का पहला इको फ्रेंडली टेलीफोन एक्सचेंज 2012 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कृषि कैबिनेट गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने कृषि कैबिनेट का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन भूमि का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वन भूमि का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देश का सर्वाधिक वन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर संवेदी संचार उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है 2008 में दूर संवेदी चंद्र उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलेस्को कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है कश्यप रुपल्ली। कश्यप रुपल्ली ने 2014 में
गैलेस्को कॉमनवेल्थ गेम में भारत को बैडमिंटन में स्वर्ण पदक दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1985 में यूनेस्को ने किसे अनूठे प्राकृतिक वातावरण के कारण विश्व विरासत स्थल घोषित किया था? इसका सही ऑप्शन है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, जो असम में स्थित है। इसका एरिया है 500 कोर एरिया स्क्वायर। तो आपको याद रखना है 1985 में यूनेस्को ने मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। बंगाल विभाजन डेट है 16 अक्टूबर 1905 और 1908 में बंगभंग आंदोलन इसी के विरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 विश्व कप में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले क्रिकेटर कौन से हैं? तो इसका सही ऑप्शन है युवराज सिंह। युवराज सिंह ने T20 विश्व कप में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है वॉइस बॉक्स। मानव शरीर में कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का 30 इंपोर्टेंट डेज से रिलेटेड वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मध्य प्रदेश के जीके के बारे में जान सकें और आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, जिसमें हम आपको जितने भी लास्ट 10-20 क्वेश्चन और बचे हैं वो भी आपको बता दें। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का, तो आप ये वीडियो बहुत गौर से देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।